हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यानी कि दोस्तों मैं बाल विकास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, दोस्तों मैं आपको पर डे 30 क्वेश्चंस बाल विकास के कराऊंगा दोस्तों, पर डे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारा एग्जाम 5 जुलाई को ही हो रहा है। ओके दोस्तों, ये हमारी मतलब यानी कि इसी सूचना निकल भी चुकी है दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपने अखबार पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसमें दे रहा है दोस्तों कि हम लोगों को दोस्तों वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करके वहाँ बैठाया जाएगा दोस्तों, और मास्क जो लगा के नहीं जाएगा उसे वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, ये अखबार में दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। उसमें बता दिया है कि एक रूम में 15 से 20 बच्चे ही केवल बैठेंगे। ओके दोस्तों, और एग्जाम सेंटर पर हम लोगों को 2 घंटे पहले वहाँ बुलाया लिया जाएगा। ओके दोस्तों, दोस्तों इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, अब ओनली हमारे पास बस केवल 1 महीना बचा हुआ है दोस्तों। इसलिए पर डे मैं आपको मतलब 30 क्वेश्चन बाल विकास के यानी कि 5 सब्जेक्ट के दोस्तों मैं आपको पर डे 30 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो दोस्तों लेकिन मैं एक वीडियो में एक ही सब्जेक्ट के लिए कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो पहले मैं कराऊंगा बाल विकास, उसके बाद दोस्तों मैं मैथ, और उसके बाद दोस्तों अपना हिंदी है और पर्यावरण है दोस्तों, ओके इंग्लिश है, ये कराऊंगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, हमारा भाग फर्स्ट ये दोस्तों 2016 का मॉडल पेपर है। ओके दोस्तों, 2016 में आए हुए दोस्तों सारे क्वेश्चंस हैं, अभी दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, देखिए सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों बताइए इसमें हम क्या, हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, समस्या के रूप में देखना चाहिए, या संसाधन के रूप में, या बाधा के रूप में, या परेशानी के रूप में। दोस्तों बताइए आप, यानी कि भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये होगा दोस्तों संसाधन के रूप में, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी, हमें संसाधन के रूप में देखना चाहिए। इसे मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा दोस्तों, क्योंकि तो बहुभाषिता क्या होती है, जो भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। दोस्तों भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसका उपयोग संसाधन के रूप में करे। ओके दोस्तों, तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको जो कि आप समझ सको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है हमारा, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, मतलब दोस्तों क्या करना चाहिए, यानी कि हमारा क्वेश्चन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, एक मतलब इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, और अगला है दोस्तों बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी कि दोस्तों समझने के रूप में हमें इन्हें देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन नंबर बी यानी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दोस्तों ये किसने कहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों सीटेट में। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों यानी कि तो तीसरा क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये कहा है जीन पियाजे ने। ओके दोस्तों, इसने कौन सा दिया है सिद्धांत दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों यानी जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है दोस्तों, तो बताइए क्या है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना यानी स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यानी कि फोर्थ दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ओके दोस्तों, क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रियता भागीदारी को महत्व देना चाहिए दोस्तों। ओके,
यानी कि हमें बच्चों की उस क्या करना चाहिए, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रियता, ओके, उनकी सक्रियता, भागीदारी तो आप जानते ही हो यानी कि क्यों, सहयोग, तो भागीदारी को महत्व देना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है हमारा, यानी अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 5, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। अगला ऑप्शन है, उस पर एक बाफड़ देकर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला ऑप्शन है दोस्तों, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ओके दोस्तों, तो बताइए इसका कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 इसका होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश मतलब देकर हमें लिखकर, यानी कि कार्य को छोटे हिस्सों में दोस्तों बांटेंगे हम बच्चों को, यानी देंगे, क्योंकि बच्चों को कोई चीज़ है दोस्तों, अगर आप एकदम यानी कि हम किसी छोटे बच्चे पर इतना प्रेशर डालेंगे दोस्तों, मान लीजिए सीधी सी बात है दोस्तों, मैं थोड़ा मतलब एग्जाम्पल नॉर्मल सा लेता हूँ, अगर बच्चा दोस्तों 5 किलो वेट उठा सकता है केवल, आप उसको 6 किलो उठाने के लिए बोलोगे दोस्तों, बच्चा ऑपलेस हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें बच्चों को जो काम देना चाहिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना चाहिए कि उसे काम करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला ऑप्शन देखते हैं, यानी क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। देखिए दोस्तों, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। देखो मैंने बताया दोस्तों, ये हमारा जो मॉडल पेपर था बताया था मैंने आपको, 2016 फरवरी का ये पेपर है हमारा। ओके दोस्तों, आया हुआ पेपर है दोस्तों, मैं आपको पेपर ही पहले करा रहा हूँ, सारे पेपर कराऊंगा दोस्तों, आज मेरा मतलब मन था, मैंने सोचा दोस्तों 2016 करा देता हूँ, इसलिए मैंने आपको 2016 कराया है। मैं कल से आपको क्रम से कराऊंगा, 2011 से लेकर के 12 पे दोस्तों मैं सारे पेपर आपको कराऊंगा। ओके, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूँ आपको पहले ही, एक प्रभावी आकलन युक्ति, संख्यात्मक क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अगला ऑप्शन है, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अगला ऑप्शन है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7वां का हमारा, तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा इसका क्या होगा। तो एक मिनट दोस्तों, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 7वां क्या हो जाएगा बताइए, फिर मैं बताता हूँ दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संख्यात्मक यानी समस्यात्मक, क्योंकि दोस्तों ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि बच्चे से आप कहना कोई चीज़ मानता हूँ दोस्तों, कि आप यहाँ से कहिए कि यहाँ पे आप चल के जहाँ गए थे उसी उन्हीं पैरों के ऊपर धर के पुनः वापस जाना चाहिए। यानी कि फिर इसी बात है, किसी खेत में रोड पर बच्चे को काट दो, मान लो यहाँ पे आप जैसे जैसे चले गए वैसे ही सेम कंडीशंस में जाओ, दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। ओके दोस्तों, इसलिए हम उसे पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, ओके दोस्तों, स्थिर रहता है क्या, क्या अवनत होता है या समान होता है या बेहतर होता है, बताइए दोस्तों। 7वां का हमारा हो जाएगा बेहतर होता है, क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों एक बार आपको अगले वीडियो में, क्योंकि सहयोग यानी कि सहयोग से शिक्षा को ग्रहण करना दोस्तों, यानी कि समूह में शिक्षा को ग्रहण करना, क्योंकि दोस्तों जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमसे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम दोस्तों के अगर 2 या 4 लोग बैठे तो हम उसे अपने डाउटों को हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और अकेले बैठ के हम कोई चीज़ डिस्कस अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों हम इससे हम बेहतर कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे मतलब विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक .. नमूने का अनुगमन करती है। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित,
क्रमबद्ध व्यवस्थित एडी पे चोटी, बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर 8 क्या होगा दोस्तों। दोस्तों हमारा आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ओके दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने कहा था विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ओके दोस्तों ये बात सही है, विकास की जो गति होती है दोस्तों मतलब कि ऐसी बात नहीं है, विकास हमारा निरंतर चलता रहता है। ओके दोस्तों जो विकास होता है वो हमारा निरंतर चलता रहता है। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ओके दोस्तों क्यों क्रमबद्ध चलती रहती है विकास गति, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 9 ऑप्शन नंबर यानी कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है दोस्तों, विकास के लिए तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला विकास एक आयामी है। अगला दोस्तों विकास पृथक होता है। अगला विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो यानी कि मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, 9 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हमारा 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि एक मिनट दोस्तों नहीं मेरा कहना था ए। ओके दोस्तों क्योंकि दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों इसमें क्या कहा, सामाजिक सांस्कृतिक याद रखना, इसने क्या कहा था विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है, क्योंकि दोस्तों विकास हमारा कहते हैं कि विकास निरंतर चलने की प्रक्रिया है, ये सत्य बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों विकास हमारा होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो सामाजिक जो समाज में हमारा विकास होता है दोस्तों आप समझते हो, जो समाज में जैसा दोस्तों जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसी हमारी आदत या हमारा नेचर वैसा ही बन जाता है हौले हौले। ओके दोस्तों तो वही चीज़ में बताई गई है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां क्या कह रहा है हमारा, तो ये है दोस्तों व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। दोस्तों व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो बताएं जरा ध्यान देखिए दोस्तों, इनकी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, जन्मजात विशेषताओं का कारण। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। अगला है दोस्तों वातावरण के प्रभाव के कारण। दोस्तों बताइए हमारा 10वां क्या हो जाएगा, तो यानी दोस्तों हमारा ये हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। ओके दोस्तों वंशानुक्रम तो समझते ही हो गया आप, जो माता पिता से हमें रुचि मिलती है। ओके दोस्तों जो माता पिता से हमारे जो गुण मिलते हैं दोस्तों वो हमारा वंशानुक्रम होता है, और वातावरण समझते हो मुझे वातावरण होता है, वातावरण से हमें कोई चीज़ यानी कि वो बना दोस्तों वातावरण से मुझे मैं समझता हूँ मुझे वातावरण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना पता ही होगा दोस्तों वंशानुक्रम मैं बता चुका हूँ दोस्तों, माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, जो हमारा वंशानुक्रम में ही आता है। ओके दोस्तों क्योंकि इसीलिए मैंने कहा दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही दोस्तों। ओके तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक मिनट, 11वां क्वेश्चन है बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। तो दोस्तों रोमांचकारी या गौड़ या मुख्य या कम महत्वपूर्ण, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि दोस्तों बच्चों के समाजीकरण परिवार, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कब बच्चे का प्रथम स्कूल क्या है, उसका परिवार, ये आपको पता होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके अगला देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन ये आंसर पढ़ के बताया था दोस्तों, बाकी के ऑप्शन नेक्स्ट पेज में वो दिखाता हूँ अभी मैं, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक यानी कि कल्पना परक खेल। आगे देखते हैं दोस्तों अपना, यानी कि और हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ देख लेते हैं, तो हमारे बाकी का दूसरा ऑप्शन क्या है, शेषावस्था क्या है हमारी तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ओके दोस्तों तीसरी क्या कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो है दोस्तों निगमनात्मक विचार। अगला है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, ये क्या होते हैं साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। दोस्तों क्या हो जाएगा 12 का, दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 12 का डी, क्योंकि दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य होता है। ओके दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो 13वां क्या कह रहा है दोस्तों,
13वां देख लेते हैं हम, क्या है हमारा। तो 13वां दोस्तों हमारा कह रहा है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है। दोस्तों बताइए वह आई एम केंद्र चिंतन कर रही है, या कारण प्रभाव को, या अभिप्राय चिंतन को, या प्रतीकात्मक विचार को, बताइए दोस्तों 13 का क्या होगा। तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा कारण एवं प्रभाव। ओके दोस्तों, कार क्योंकि वह है कारण एवं प्रभाव की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या है हमारा, अगला देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्याजे के अनुसार, क्योंकि दोस्तों मैं बताया था जीन प्याजे, दोस्तों इन्होंने चार अवस्था हमारी बताई है दोस्तों, और इन्होंने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट 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 में भिन्न होता है बजाय डॉट 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 के। दोस्तों बताइए 14वां क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, क्योंकि प्रकार दोस्तों प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार से में भिन्न होता है बजाय। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा जाएगा बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकार एवं मात्रा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यानी कि एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों देखते थे 15वां क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, नंबर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, अगला ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना दोस्तों, अगला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना, तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन में कौन सा होगा, दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ओके दोस्तों, दोस्तों इसका क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रश्न वही तो पूछोगे, बच्चे डाउट होगा कहाँ बेटा तुम्हें ये चीज़ क्यों नहीं आई। ओके दोस्तों, क्योंकि उसका डाउट हमें, मतलब सीधी सी बात है, डाउट का सॉल्यूशन निकालना है। ओके, ना कि बच्चे को हमें डांटना है, कब ऐसे कुछ कंडीशंस बतानी है जिससे बच्चे को प्रेशर पड़े। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा, 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बताइए दोस्तों कैसे सीखते हैं, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बल प्रदान किया जाए तब, बताइए दोस्तों कैसे सीखते हैं। 16 दोस्तों, 16 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही दोस्तों, क्योंकि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, मैं आपको डिस्क्राइब थोड़ा करना चाहूँगा दोस्तों इसका आंसर, यानी कि वायगोत्स्की का विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 17वां दोस्तों हमारा, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो बताइए दोस्तों क्या चीज़ की थी, तो शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा ही दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, ये सबको पता होगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 18वां हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, बताइए दोस्तों, मैं आपके सामने ऑप्शन पढ़ता हूँ, पहले दो ऑप्शन दोस्तों नेक्स्ट पेज पर वो दिखाऊंगा बाद में आपको, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संपादन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, अगला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही, मतलब जा रही है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं हमारे और दो ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे दो ऑप्शन है और क्या है, देखते थे देख लेते हैं हम क्या चाहिए, एक मिनट दोस्तों, ओ माय गॉड, एक मिनट दोस्तों, सॉरी ये वैसा होगा थोड़ा, ओके देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या था, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो,
अगला ऑप्शन एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से ज़रा पढ़ा होगा आपने, आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं दोस्तों। ओके, ऑप्शन दो क्या थे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का दोस्तों, ये हो जाएगा 18 हमारा बी, इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों, बता देता हूँ मैं हमारा ऑप्शन नंबर बी कहाँ है दोस्तों, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ओके दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 19 क्या क्वेश्चन दोस्तों, 19 हमारी बुद्धि, दोस्तों बुद्धि क्या है हमारी, तो क्या है दोस्तों बुद्धि हमारी, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है क्या, एक विशिष्ट योग्यता है क्या दोस्तों, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है क्या दोस्तों बताइए। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, 19वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, डॉट डॉट में बताना दोस्तों इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा हमारा, क्या हमारा अहम, यानी कि अम लिखा है दोस्तों अहम है। ओके, अहम महत्वपूर्ण दोस्तों, या अतिसंवेदनशील, या निरपेक्ष, या कम महत्वपूर्ण, बताइए दोस्तों 20 का कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, ये होगा हमारा अतिसंवेदनशील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अतिसंवेदनशील। ओके दोस्तों, काल है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, एक शिक्षिका यानी कि सॉरी एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी दोस्तों कैसी क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अगला कह रहा है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़वादी धार प्रकट करना है। अगला कह रहा है दोस्तों, यानी कि क्या कह रहा है अगला ऑप्शन, लड़कियों पर लड़कों की वैज्ञानिक यानी जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। अगला कह रहा है जाति भेदभाव का परिचायक है, दोस्तों बताइए क्या होगा इसका, 21 का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की लड़कियों में भेदभाव रूढ़वादित धारणा प्रकट करना है। ओके दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये क्या इसे कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें साइकोलॉजी में दोस्तों या कोई सा हुआ हमें ऐसे हमें नेगेटिव वर्ड को हटाना है पॉजिटिव लगाना है। ओके दोस्तों, कहीं पे भी नेगेटिव वर्ड आएगा दोस्तों वो हमें से रॉन्ग ही मानेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। ओके, नेगेटिव वर्ड ये मान लीजिए टैग वर्ड है, मैं आपको एक दिन एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें आपको मैं कुछ टैग वर्ड बताऊँगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्या दोस्तों हमारा 22वां क्या कह रहा है, 22वां कह रहा है आकलन क्या है दोस्तों बताइए आकलन क्या है 22 दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, इसका ऑप्शन में आ जाएगा सी सही, क्योंकि दोस्तों आकलन एक हमारे सीखने में सुधार का एक तरीका है दोस्तों, क्योंकि सीखने में जो आकलन करेंगे दोस्तों फिजिक्स कहते हैं कि आकलन कर रहे हैं मशीन का, तो दोस्तों सीखने में सुधार का एक तरीका है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन यानी कि समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, समावेश तो जानते ही होगे आप, यानी कि समूह यानी दोस्तों इकट्ठा। ओके दोस्तों, समावेश शिक्षा पढ़ी होगी ना आपको, समूह में शिक्षा देना समावेश शिक्षा कहलाती है हमारी। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए दोस्तों 23 का क्या होगा दोस्तों, मैं आपको सीधा ऑप्शन ही बता देता हूँ, आप क्वेश्चन को मतलब पॉज करके यानी कि देख सकते हो। ओके, मैं आपको सीधा ऑप्शन ही बताता हूँ दोस्तों, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम, यानी कि हमारा 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, और 24 क्वेश्चन कह रहा है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए दोस्तों बताइए, तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, दोस्तों बताइए इसका क्या होगा 24 का दोस्तों, तो पहले तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ दोस्तों, दो ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों हमारा यही आंसर है। ओके, इसका ऑप्शन में हमारा दोस्तों ए सही हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें।
दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर आपको कहीं पे अगर एक चीज़ में बताता हूँ आपको, एक ट्रिक मान लीजिए उसे, पर मैं ये नहीं कहता हूँ 100% ये काम करेगी। ओके दोस्तों, मैं मानता हूँ 70% दोस्तों ये बात सच होती है। अगर कहीं क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर जिसका आंसर जो लॉन्ग होगा सबसे दोस्तों, कम से कम 70% दोस्तों वो आंसर सही होता है। ओके दोस्तों, ये हमें याद रखना। ओके दोस्तों, उन्हें तो कभी चेक करके देखना, आप खुद ही लगा के दोस्तों उसमें देखना। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा 24 के 25 में क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों 25 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है दोस्तों, बताइए इसका ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों 25 का। दोस्तों 25 में क्या होगा, आप इसमें आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा आपको 25 का क्या होगा। दोस्तों 25 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ओके दोस्तों, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, इसने क्या कहा था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, यानी कि दोस्तों ये करता है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कहते हैं मूड बदल रहा है उसका। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं 26 क्या कह रहा है दोस्तों। 26 कह रहा है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो कैसा है, क्या है, बताइए दोस्तों। मैं ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम वीडियो बहुत लंबा हो रहा है हमारा। ओके दोस्तों, तो हमारा 26 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा 26 का सी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ओके दोस्तों, एक बच्चा को आंशिक रूप से देखा था, कब देखा जा सकता है, जब विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित रूप से विद्यालय में रखना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 27, दोस्तों सीखना क्या है, तो आप ये तो पता ही होगा अधिगम माने सीखना सिखाना होता है, ये तो पता ही है अच्छे से दोस्तों। तो दोस्तों सीखना क्या है दोस्तों, बताइए 27 दोस्तों क्या आंसर होगा हमारा। दोस्तों 27 दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ओके दोस्तों, 27 सी होगा, क्योंकि दोस्तों सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है दोस्तों। सीखना क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। 28 कह रहा है दोस्तों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के समक्ष बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए दोस्तों, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए आप इसे एक बार दोस्तों, मैं आपको फिर ले चलता हूँ, आप ये देख लीजिए। ओके दोस्तों, मैं जहाँ तक उम्मीद है मेरी, समझता हूँ आपने ऑप्शन देख लिए होंगे दोस्तों। ओके, तो मैं बताता हूँ दोस्तों 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों, अब बताइए दोस्तों 28 है, 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा इसका हो जाएगा दोस्तों 28 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ओके दोस्तों, दोस्तों आगे देख लेते हैं हम, यानी कि हमारा आगे क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही था, सी सही था। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 29, दो क्वेश्चन और बाकी हैं दोस्तों। दोस्तों कल से मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अच्छे से डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि दोस्तों आज वीडियो लंबा इसलिए मेरा हो गया थोड़ा, क्योंकि मैं प्रत्येक ऑप्शन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, आप कमेंट करके बताना मैं ऑप्शन पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, फिर आंसर ही बताऊँ। ओके दोस्तों, जिससे हमारा टाइम बच सके। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है दोस्तों, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों 29। दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता होगा दोस्तों मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों महाराज का, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो पहला ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ओके दोस्तों, और ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, और क्या दोस्तों, और तीसरा है अपनी रुचि से, और है पुरस्कार के लिए, अगला है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बताइए दोस्तों 30 का कौन सा होगा। दोस्तों हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अपनी रुचि से। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।